that we have to solve this pair of quadratic equations. Okay, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम लोग जर्नली दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होते हैं. ओके, ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और तुम दोनों ही एबसेंट थी, सिर्फ केवन प्रेजेंट था. तो केवन ने इसको समझा था, फिर भी हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं. बेटा ध्यान से समझना कि कोई भी इक्वेशन जो इस तरह की फॉर्म में होती है, यहाँ पर वेयर वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी और सी जीरो हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, अभी फॉर राइटिंग दैट 5x स्क्वायर, इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें बी जीरो इंटू समथिंग होगा, ठीक है, बी इंटू एक्स प्लस सी जीरो. यानी इसमें हमने मान लिया कि इसमें जो b की वैल्यू है वो जीरो है और c की वैल्यू जीरो है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और उसके साथ साथ a जीरो नहीं हो सकता, इट कैन बी 1. यानी कि खाली x स्क्वायर भी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. x स्क्वायर प्लस 5x, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. और इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. बट अगर मैं बोलू 5x प्लस 2, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ आया? गॉट इट लीना? यस सर. ओके, सो हियर वी वर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इसमें मैंने ये क्वेश्चंस तो करा दिए थे. ओके, और मिडिल टर्म स्प्लिट आपने सीखा है 9th क्लास में. चलो अभी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा. देखो यहाँ वाले जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस में हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो आपको पता है कि अगर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी. यानी इसको ओपन करेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन. You will use this identity, that is, यहाँ पर हम लोग identity को open करेंगे. a plus b का whole square की identity होती है, a square plus b square plus 2ab. So a हमारा यहाँ पर है x और b हमारा है यहाँ पर 1. So मैंने a का square यानी x का square, b का square यानी 1 का square plus 2 into a मतलब x into b मतलब 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा x square plus 1 square plus 2x. Okay? So इस equation में हम लोग को direct ही, ठीक है, यहां पर हम लोग को डायरेक्टली एक्स स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है. यहां पर हम लोग को 2x ही मिल रहा है सिर्फ, ठीक है. सो हम लोग किसी भी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक टर्म एक्स स्क्वायर जरूर बचेगी. मतलब कितना भी इसको सॉल्व कर ले, हमारा एक्स स्क्वायर खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कोई टर्म नहीं, यानी इस तरफ कोई टर्म नहीं बन रही है. यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम 2x बचेगा और माइनस का 6. तो उसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है. ओके, समझ आया? या मैं इसको फिर से और इलेबरेट कर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझाता हूँ तुम्हें. मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस वन प्लस टू एक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पर 2x माइनस 6 है. मैं इसको कितना भी सॉल्व करूं, जो भी आंसर आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर जरूर बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कब कैंसिल होगा, जब दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाएगी. तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. चलो मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचेगा इसमें आंसर एक्स स्क्वायर, ये 6 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और 6 मिलकर 7 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा. तो इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. समझ आया? अरे भाई बता दो बेटा, समझ आया? Yes, sir. Okay. Do the next one. Is that a chemical? Is second one is a? अब तुम देखोगे यहाँ पर x square की term है, यहाँ पर कोई दूसरी टर्म एक्स स्क्वायर में नहीं बनेगी, ये 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 2x हो जाएगा. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, जो एक्स स्क्वायर की टर्म इसको कैंसिल, इस वाले एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दे. इसका मतलब यस, इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे बताएं बेटा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अनिष्का क्लास में हो, आवाज आ रही है? अनिष्का असीला बेटा बताओ थर्ड वाला है कि नहीं है? प्लीज चल ली वन मिनट नो सर नो यस ये नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां से जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर इस तरफ आ गया, और जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर इस तरफ भी आ गया. अब ये और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. आप कुछ भी सॉल्व करें हमें आगे कोई एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, यानी एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगी. तो इसका मतलब है कि ये इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके क्वेश्चन नंबर फोर. You tried in question number 4? Yes, sir. It is a quadratic equation. Okay. So you find here that it is 2x square. And here you find that is only x square. ठीक है, x square. So इस तरफ आपको 2x square मिलेगा और उस तरफ मिलेगा आपको x square. तो इसमें से minus भी कर दोगे जब भी आपके पास एक x square बच जाएगा. तो फिर भी ये quadratic equation रहेगा. तो yes, it is a quadratic equation. सिमिलर वे बाकी सब आप इसी तरह से ट्राई कर लोगे. यहां पर हम लोग सेवेंथ वाले में चेक करते हैं. सेवेंथ में हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्यूब है. सो एक्स प्लस टू ब्रैकेट एक्स प्लस टू होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ. ठीक है, और इधर मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पर मेरे पास आएगा 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन. ओके तो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा यहां पर, ओके ध्यान से समझना थोड़ा सा. मैंने इसको किया तो मेरे पास एक टर्म आएगी एक्स क्यूब और दूसरी मेरे पास आएगी माइनस टू एक्स. ओके एक्स क्यूब माइनस टू एक्स. यहां पर थोड़ा ध्यान से लगाना, सोचना कि चलो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स प्लस टू. वैसे तो आइडेंटिटी भी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, लेकिन फिर भी मैं आपको आसानी से समझाने के लिए इसको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए इस तरह से कोशिश करता हूँ. वैसे मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा इसको. तो ये मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स. ये तो पता चला है ना फोर एक्स कैसा है, यानी एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी फोर, टू का स्क्वायर फोर होता है, प्लस टू इंटू ए इज एक्स एंड b is 2. तो you multiply this by, you will get 4x. Okay बेटा, 4x आ गया यहाँ पर. अब जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सब बारी बारी मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास एक x cube की टर्म आ जाएगी और इधर भी x cube की टर्म आ गई.
तो ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये क्यूबिक तो है नहीं, ये एक्स क्यूब और वो एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहां से जब आप इसका नंबर आएगा इससे मल्टीप्लाई करने पर तो आपको मिलेगा 4x square। तो 4x square को कैंसिल करने के लिए इधर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है और आगे कोई एक्स स्क्वायर बनेगा भी नहीं, तो हमारे पास 4x square इसमें रह जाएगा। जैसे ये 4x square इसमें रह गया मतलब यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? समझ आया? कैन यू रिपीट? यस, व्हाई नॉट। इफ आई एम सेइंग दैट कि हमारे पास ये हमारे पास टर्म है और इस टर्म में ये मैंने ये वाली जो क्यूब की क्यूबिक पॉलीनोमियल है, वैसे ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसकी वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। ठीक है, यानी कि आप इसको खोलोगे ओपन करोगे तो आपको ये इस तरह से ओपन करना होगा, यानी x का क्यूब फिर b यानी 8 का क्यूब इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिंपल तरीके समझाता हूँ कि यहाँ पर जब आप x प्लस 1 यानी इसका अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी ये कि इसकी वैल्यू ये है। सो इसमें आपको एक एक्स क्यूब की टर्म आएगी, पहली इसमें आपको एक एक्स क्यूब की टर्म आएगी और इसमें भी एक एक्स क्यूब की टर्म बनेगी। ठीक है, और वो जो एक्स क्यूब की टर्म होगी, ठीक है, या इसमें तुम ऐसे समझ लो ध्यान से, लेकिन मगर यहाँ पर 2x³ बन रहा है और यहाँ पर खाली x³ बन रहा है तो ये नहीं है पॉलीनोमियल। नो, इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक मिनट देखो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, चलो करके ही देख लेते हैं पूरा ही। ये हमारे पास x³ यानी a³ होगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² सो यानी कि आप इसमें a आपका है x और ये आपका b है, उसके हिसाब से आप करना शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड हियर कि आपको x मिलेगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्यूब प्लस 3 into a² यानी x² into b यानी 2 प्लस 3 into a b² ab² यानी x into b² मीन्स 2 का स्क्वायर। ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी बनेगी और यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल फाइंड 2x³ और यहाँ से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल फाइंड हियर माइनस टू एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक एक्स क्यूब ये रहा और यहाँ सॉरी 2x³ यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स क्यूब है। तो जब ये उधर जाएगा या इन सबको आप इधर लेके आएंगे तो आपके पास एक्स क्यूब की टर्म एक बच जाएगी। जैसे ही आपके पास एक एक्स क्यूब की टर्म बच जाएगी तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है, 2 नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती है जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। ओके, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अगर यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं, सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, इस टर्म को हटा करके मैं यहाँ पर जो मेरे पास था यहाँ पर मैं इसकी 2 हटा देता हूँ, यहाँ से 2 हटा देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 2x² - 1। तो तब जब आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल फाइंड हियर x³ - x, ये आपको मिलेगा माइनस एक्स। अब ये वाला एक्स क्यूब और ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास x² की टर्म बच जाएगी इसमें। देखो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपको 6x² की टर्म मिल रही है और यहाँ पर आपको x कुछ भी है मतलब x² आपको मिल गया, स्क्वायर के फॉर्म में आपको मिल गया। अब x² मिल गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। समझ आया? Yes, sir. जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास x³ है और जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी पहली टर्म बनेगी x³। ठीक है, उसके बाद माइनस b³ वो कुछ भी होगा, उसके बाद यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास x² वाली टर्म बचेगी। अब वो बचेगी कि नहीं बचेगी उसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। a माइनस b का होल क्यूब होता है a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² ठीक है।
तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो अभी पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो हमारे पास x है हमारे पास a और ये हमारे पास b है, सो अभी हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब विल गेट 8, ओके माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू बी इज 2, ओके यहाँ पर माइनस 2 नहीं समझेगा b को, ये माइनस फॉर्मूले के हिसाब से लिया गया है, यहाँ पर b जो है वो पॉजिटिव 2, ओके प्लस 3 इंटू ए यानी x इंटू बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ओके तो यू विल फाइंड हियर कि आपका एक x स्क्वायर से एक स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर आपको मिलेगा 6x square, और यहाँ पर आपको मिल रहा है माइनस का 4x square, so ये cancel out नहीं हो रहा है, दो different terms है, same होती है तो कट जाती है, so ये नहीं है, तो यहाँ पर आपको x square बच जाएगा आपका, अगर x square बचा तो yes it is a quadratic equation, समझ आया? Yes sir. Okay. So अली असीला बेटा समझ आया? Yes sir. Okay. अब दूसरी चीज होती है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट, ओके मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है कि हम लोग को जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, जैसे हम लोग को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये वाली टर्म जो होती है इसको हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म बोलते हैं। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग को दो पार्ट में लिखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है गिवन है कि सपोज कीजिए मुझे कोई इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, तो मैं इसको मिडिल को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, इसको मुझे लिखने के बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब मैं 8 को 8x को कैसे लिख सकता हूं, देयर कैन बी सो मेनी वेज, आई कैन राइट इट प्लस का 10x माइनस 2x, ये भी 8x आएगा, ठीक है। अब दूसरा मैं इसको और भी बहुत सारे तरीकों से लिख सकता हूं, जैसे कि मैं इसको 12x माइनस 4x कर दूं तब भी मेरे पास 8x आएगा, इसी तरह से मैं इसको 6x प्लस 2x कर दूं तब भी मेरे पास 8x आएगा, लेकिन मैंने यहां पर 4x प्लस 4x ही क्यों चुना उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग को मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि अगर मैं इन दोनों दो टर्म हमारी आएंगी उन दोनों की प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे ये और ये की इसकी प्रोडक्ट मिल जाए, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल जाए, तो 4x इंटू 4x करूंगा तो आई विल गेट 16x स्क्वायर मुझे मिल गया, ठीक है। यहां पर मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा 12x स्क्वायर, यहां मैं करता हूं तो मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं तो मेरे को मिलेगा माइनस का 48x स्क्वायर, यहां मैं करता हूं तो मेरे को मिलेगा दैट वुड बी दी माइनस 20x स्क्वायर, सो मेरे को मिल तो रहा है 8x लाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन ऐसा तरीका चाहिए हम लोग को कि अगर उन दो टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वो मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, समझ आया? समझ आया? यस सर। ओके चले अभी हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करा दूं पहले, चलिए मुझे 20 के ऐसे फैक्टर्स बताइए जिनका मैं सम करूं तो, मतलब वो दो नंबर्स बताइए 20 को, मतलब 20 को तुम्हें ऐसे उसमें करना है कि अगर मैं, मतलब मुझे वो दो नंबर बताइए जिनको की प्रोडक्ट करूं तो मेरे को 20 आए और उनका सम करूं तो मेरे को माइनस 9 आए, वो कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट किया जाए तो 20 आए और उनका सम किया जाए तो माइनस 9 आए, प्रैक्टिस करते हैं पहले थोड़ा।
मिला बेटा फाइव एंड फोर प्लस फाइव एन प्लस फोर की माइनस फाइव एन माइनस फोर या प्लस का फाइव और माइनस का फोर ऐसे कुछ है माइनस फाइव प्लस फोर माइनस फाइव और प्लस फोर का सम करो कितना आएगा माइनस वन ओके दोनों को हमें माइनस का और उनकी प्रोडक्ट भी करोगे तो आपको माइनस ट्वेंटी आएगा ना मैंने बोला पॉजिटिव ट्वेंटी आना चाहिए और सम आना चाहिए माइनस का नाइन सो माइनस फोर एंड माइनस फोर आर द टू नंबर्स व्हेन यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट प्लस ट्वेंटी and when you add them you will get minus of 9 got it समझ आया okay तो इसका better idea कैसे लगा सकते हैं आप कि आप इनको क्या कर लीजिए कि आप इसको क्या कर लीजिए बेटा आप इनकी factors कर लीजिए prime factors तो इसको आप 2 से divide करेंगे you will get 2 then फिर 2 से divide करेंगे तो you will get 5 फिर 5 से करेंगे तो 1 तो आपको 5 इंटू 2 इंटू 2 मिला तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए मतलब 20 कब कब आ सकता है 20 आ सकता है जब 10 की 2 से मल्टीप्लाई करें तब जब 20 की 1 से करें तब और जब 4 की 5 से करें तब तो यही ऑप्शन सही होगा जो 20 के लिए सुटेबल होगा यानी आप इन दोनों का एक पेयर बनाइए 1 ले लीजिए और इसको अकेले ले लीजिए तो ये दो नंबर ऐसे हैं अब आपको पता है कि पॉजिटिव प्रोडक्ट लानी है आपको 20 आपको पॉजिटिव लाना है तो 20 यानी प्रोडक्ट आपकी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट किसी भी दो नंबर की पॉजिटिव कब होती है पॉजिटिव कब होगी जब दोनों नंबर या तो नेगेटिव हो या दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो तब आपको पॉजिटिव प्रोडक्ट मिलेगी समझ आया तो यानी सेम साइन के होने चाहिए तो ये हमें कंफर्म हो गया था कि हमें दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर नेगेटिव होगी लेकिन सम दो नंबर का नेगेटिव कब आएगा जब एक नंबर पॉजिटिव मतलब हमारे पास अब सम हमें नेगेटिव चाहिए तो अगर हम दोनों नंबर पॉजिटिव चूज करते तो सम नेगेटिव नहीं मिलेगा इसलिए हम लोग को दोनों नंबर नेगेटिव ही चूज करने होंगे समझ आया यस सर असीला बेटा समझ आया यस सर ओके मैं दूसरा लेता हूं 21280 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका सम करें तो आपको 8 आए ठीक है सम करे तो 8 आए और प्रोडक्ट करे तो माइनस का 180 आए 1280 आए यानी वो दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 1280 मिले और सम करे तो आपको प्लस का 8 मिले तो इसमें ना आपको फैक्टर करने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी कि यार ये तो बहुत मुश्किल नंबर दे दिया सर ने इतना बड़ा नंबर दे दिया तो कोई नहीं हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे दो नंबर पॉजिटिव चाहिए दोनों नेगेटिव चाहिए एक नंबर पॉजिटिव चाहिए एक नंबर नेगेटिव चाहिए तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो 1280 का माइनस में है और अगर प्रोडक्ट माइनस में होता है तो हम लोग को अपोजिट साइन के नंबर चाहिए यानी एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी अपोजिट साइन के दो नंबर की प्रोडक्ट ही हमें माइनस में मिल सकती है अब हम लोग को जो सम चाहिए वो पॉजिटिव 8 चाहिए पॉजिटिव 8 यानी सम जो है वो पॉजिटिव 8 चाहिए तो सम पॉजिटिव 8 कब होगा जब बड़ा नंबर यानी लार्जर नंबर प्लस साइन का हो और स्मॉलर नंबर हमारा माइनस साइन का हो समझ आया तो हमें दो अपोजिट साइन के नंबर चाहिए उसमें ग्रेटर साइन मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव साइन का होना चाहिए अब व्हाट वी नीड टू डू हियर इज दैट वी नीड टू जैसे हमारे पास है 1280 हम लोग क्या करेंगे इसको ट्री वाले मेथड से कर लेंगे हम लोग को पता है कि 1280 तो मैं इसको ले सकता हूँ 128 इंटू 10 ये आसान होता है करना इस तरीके से करना बहुत आसान होता है फिर आपको पता है कि 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 इंटू 5 होता है और आप 128 को आप चाहे तो 64 कर सकते हैं ये आपको पता हो कि किसके टेबल में आता है तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं जैसे इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट आपको मिल जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 64 ठीक है फिर आप इसको 2 को 2 के तो और फैक्टर्स होते हैं तो 2 इंटू 1 कर दीजिए 64 को आपको पता है
ठीक है, ये मतलब ये एंड हो चुका है, तो यहाँ पर ये एंड हो चुका है, यहाँ पर ये एंड हो चुका है, तो ये तो हमारा खत्म हो चुका है। अब ये 8 इंटू 8 हमारा बच रहा है, 64 8 इंटू 8 होता है, और 8 का आपको पता है कि वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, और यहाँ पर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। ओके, तो जब हमारे पास इतने सारे 2 ये होंगे तो हम लोग ओके, तो अभी हमारे सब खत्म हो चुके हैं, बस हम लोग को लिखना है 2 इंटू 1 तो छोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, 1 2 3, फिर अगले 3 1 2 3, फिर हमारे पास 2 इंटू 5। समझ आया? इस तरह से हम लोग जल्दी से फैक्टर कर सकते हैं। समझ में आया? समझ आया? अब आपको पता है कि हमें ज्यादा डिफरेंस तक नहीं जाना, ज्यादा डिफरेंस नहीं हम लोग को, मतलब ऐसे नहीं कि एक तरफ हमने 2 ले लिया और बाकी तरफ हमने इतना सारा ले लिया, क्योंकि डिफरेंस हमें 8 का, यानी दो नंबर जो होंगे उनका डिफरेंस 8 है, तो वो बहुत करीब करीब डिफरेंस होगा। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक दूसरा मान के देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, यहाँ पर 64 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, वी ओनली गेट हेयर कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 20। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया हमारा, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से हम लोग 1 2 को यहाँ से पहले देता, अब की बार हम लोग इस वाले को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास, अब हमारे पास सिर्फ 5 2 है, और 5 2 का प्रोडक्ट होता है 32, और दूसरे वाले का प्रोडक्ट होगा हमारे पास 8 5 40। सो 40 हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम करते हैं तो हम लोग को मतलब 8 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बस अब इनको अरेंज करना है। तो हम लोग प्लस का ले लेंगे 40 और माइनस का ले लेंगे 32। सो इन दोनों नंबर का अगर आप सम करोगे यू विल गेट पॉजिटिव 8, और इन दोनों नंबर की अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट 1 2 8 0। समझ आया? यस सर। ओके, यस सर, मैं एक और देता हूं आपको, फिर आप करिएगा। अब आपको क्लास 400 एक नंबर है, 400 एक नंबर है जिसका मतलब, वो दो नंबर्स बताइए जिनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 400 आएगा, और अगर उनका सम करेंगे तो आपको मिलेगा -9। सॉरी, माइनस का 400 आएगा। कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन, 400 की फैक्टराइजेशन करनी होगी प्रोडक्ट वाले की, तो 400 आपने ऐसे लिया, इसको आप ले सकते हैं 4 into 100, इसको आप ले सकते हैं 2 into 2, ये खत्म हो चुका है, अब इसके बाद फर्दर नहीं बचा, इसको आप ले सकते हैं 10 into 10, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं 2 into 5, अब इसमें कोई प्राइम फर्दर नहीं हो सकता तो यही खत्म हो गया है, इसको भी आप ले सकते हैं 2 into 5, ये भी खत्म हो चुका है, तो आपके पास आया 2 into 16। 25 and 16 is that number. यहाँ पर भी माइनस लोगे तब भी आपको माइनस का 400 आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपने 16 का माइनस ले लिया तो फिर आपके पास पॉजिटिव 9 आएगा, तो आपको ये माइनस लेना है और ये प्लस लेना है। समझ आ गया आपको? समझ आ गया बेटा? यस सर। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, जरा इसको मैं एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
सो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है. ओके, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स, मीटर्स में इज वन मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ब्रेथ है उससे लेंथ एक ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यानी ब्रेथ के अगर हम दुगना भी कर दें तब भी उससे एक ज्यादा है. तो अगर मैं ब्रेथ को एक्स मान लेता हूं तो ये कितना होगा मेरे पास लेंथ? बोले बेटा कितना होगा? 2x plus 1. यानी ट्वाइस किया ब्रेथ को फिर उसमें 1 ऐड कर दिया. अब आपको पता है कि एरिया जो होता है, एरिया जो होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो इफ आई राइट द एरिया यहाँ पर 528 इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास है 2x plus 1 और ब्रेथ हमारे पास है इनटू x. सो मैं इसको लिख सकता हूँ x इनटू 2x plus 1 इज इक्वल टू 528. इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आई विल गेट 2x स्क्वायर. इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आई विल गेट x और ये इज इक्वल टू 528. तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये जो 2 है और ये 528, इन दोनों की पहले प्रोडक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग को वो नंबर चाहिए जो 528 इंटू 2 करके जो भी आएगा उस नंबर को हमें इस तरह से करना है कि आएगा 1056. ठीक है, कि उसका वो दो नंबर्स बताइए जिसका सम करेंगे तो आप वो प्रोडक्ट करेंगे तो 1056 आए और अगर उनका सम करेंगे तो यू विल गेट ओनली पॉजिटिव 1 और माइनस का यहाँ पे. तो इससे माइनस का है तो इसका मतलब पता चल गया कि एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है. प्रोडक्ट तभी आता है. बड़ा नंबर हमारे पास जो होगा वो होगा कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, तभी पॉजिटिव सम आएगा. तो अब मुझे बताइए, और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं लाना, सिर्फ 1 का डिफरेंस है. तो आप मुझे बताइए वो दो नंबर कौन से होंगे? -32 + 33.
Sir, you are on mute. Oh, sorry for that. So, अभी हम लोग इसको करेंगे कि बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा भाई क्या हुआ, एक मिनट, वो लगाया भी हो गया, हाँ भी पढ़ा रहा था। ये पूरा रफी था। खैर हम लोग को सही मिला था, मैं आगे कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि हमारे पास था 2x और प्लस का 33x इज इक्वल्स, और माइनस हमारे पास था 528 इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी, हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया उस इक्वेशन को। यहाँ पर 1x था तो 1x को, यानी 1x को हम लोग पॉजिटिवली कुछ इस तरह से मिडिल टर्म करके स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको 33 को उधर क्यों लिखा, क्योंकि आसानी हो जाएगी मुझे कॉमन लेने में। अदरवाइज मैं चाहूँ तो इसको उधर भी लिख सकता हूँ, मतलब ये 33 इधर आ जाए, लेकिन साइन चेंज नहीं होंगे। मतलब प्लस का 33 है तो प्लस का ही 33 रहेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको इधर कर देंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में से बोलो, टू और एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x माइनस 16, क्योंकि वापस से मल्टीप्लाई करोगे आपको 2x² मिल जाएगा, और वापस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 32x -32x। और फिर आपको जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसको आप कॉमन ले लीजिए। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर मुझे x माइनस 16 ही लाना है अगले ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद, तो मैं इस 33x में से क्या कॉमन लूं जो मेरे पास x बचे, तो जाहिर सी बात है 33 ही कॉमन लिया जाएगा। और यहाँ पर x माइनस 16 हमारे पास बच जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 16 बचेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 33 वैसे ही पता है कि अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो 16 बचेगा। बस कंफर्म हूँ कि ये ब्रैकेट सेम आता है, तो इन दोनों को आप सेम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो। सो आपके पास चेक भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो वापस से आएगा, ये मल्टीप्लाई से करोगे तो वापस से 528 आपके पास आ जाएगा। तो पहला ब्रैकेट आपका बनता है 2x और प्लस 33, यानी जो ब्रैकेट से बाहर लिए हैं आपने उन दोनों टर्म से, और दूसरा ब्रैकेट आपका बनता है यहाँ से। अब आपको पता है कि कभी भी साइड जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो अगर आप पहले ब्रैकेट को जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू में, मतलब जीरो से इक्वेट करेंगे पहले ब्रैकेट को, तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास आएगा 33 is equals to 2x minus में, और x is equals to -33/2, जबकि ये वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल होगी। नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि कभी भी लेंथ और ब्रेथ माइनस में नहीं हो सकती, तो ये होगी नॉट एक्सेप्टेबल। स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो जब आप दूसरे वाले ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे x minus 16 is equals to 0, तो ये उस तरफ चला जाएगा और ये इट विल बिकम पॉजिटिव एंड विल गिव्स यू x is equals to 16। समझ आया? Yes, sir. पक्का? हमारे पास अगर x यानी ब्रेथ हमारी x है तो लेंथ हमारी कितनी होगी बेटा, 2x plus 1 थी, कितना होगा अगर x हमारी 16 आया है जो कि, तो कितना होगा 33, ओके? कितना होगा बेटा 33, क्योंकि 16 टू 32 plus 1 33, ओके? Got it? Yes, sir. Oh, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। The product of two consecutive positive integer is 306. Find the integers. Consecutive numbers क्या होते हैं? बोलो, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं अगर आप उनका सम करते हो तो यू विल गेट
ठीक है। तो अगर आप उनका सम करते हो तो यू विल गेट जोहा। ओके सो बेटा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स? बोले बोलो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को इंटीजर्स होते हैं जिनका सम करो तो मतलब एक नंबर पहला है तो दूसरा नंबर उसका एक ज्यादा होगा, जैसे एक 16 है तो दूसरा 17 होगा, एक 15 है तो दूसरा 14 होगा, या फिर उसके पहले वाला 16। तो मतलब डिफरेंसेस ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, 14 15 16 आर द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं एक नंबर को x मान लेता हूँ ठीक है, तो दूसरा नंबर कितना होगा? x plus 1। सिंपल सी बात है, तो उनका प्रोडक्ट कितना है, एक x और दूसरा x plus 1 का प्रोडक्ट है 306। फटाफट सॉल्व करो। -18 and 17 so you are on mute। Okay, मैं बोल रहा हूँ कि माइनस 18 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माइनस 18 अगर और 17 अगर हम लोग लेते हैं तो वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है। तो आइदर वी हैव टू चूज 17 और आइदर वी हैव टू चूज 18। अगर हमने 18 चूज किया तो उससे अगला वाला 19 होगा, क्योंकि हमने स्मॉलर नंबर को x पाना है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा। तो अगर हमारा x की वैल्यू 18 आई है तो दूसरा 19 होगा, तो माइनस 18 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्यों माइनस 18 को क्यों रिजेक्ट कर देंगे बेटा, बोलिए। बोलो क्योंकि वो एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है। हाँ नहीं, x की वैल्यू अगर हमारे पास ये आई, सपोज करो एक x लिया हमने, दूसरा हमने 17 ले लिया ठीक है, माइनस का 17 माइनस 17x माइनस 306। सो हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 बचेगा, या माइनस 17 कॉमन ले लेंगे विल गेट माइनस कितना दैट इज 18 सॉरी प्लस 18, क्योंकि इसमें से माइनस के साथ 17 कॉमन लिया तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट दिस वन, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट दिस वन। ओके
So you will find x minus 17 or x plus 18. Got it? Got it? अब यहाँ पर हमारे पास इस वाले ब्रैकेट से हमें x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और इस वाले ब्रैकेट से हमें x की वैल्यू कितना मिलेगी 18 मिलेगी. ओके माइनस 18. ठीक है. अब उसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं है. तो एक 17 है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा 18 होगा. ओके x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 यू विल गेट 18. ओके गॉट इट? यस सर. ओके सो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में. ठीक है, चलिए.